नमस्कार साथियों, इसके पहले के वीडियो में हमने समझा था कमेंड लाइन। आज हम देखते हैं ट्रैक चेंज। ट्रैक चेंज बहुत उपयोगी ऑप्शन है, खासतौर पर जब यूज़र कोई फाइल बनाता है और बनाने के बाद सेव करके हम जब छोड़ देते हैं और दोबारा जब ओपन करते हैं तो हम चाहते हैं कि हमने जो फाइल बनाई है उस फाइल को यदि किसी ने ओपन किया है और उसमें कोई संशोधन किया है या उसमें से कोई माइनर डेटा हटा दिया है, कुछ भी यानी उससे एडिटिंग हुआ उसमें या डिलीटिंग हुआ है या क्रिएटिंग हुआ है, तो हमें मालूम हो जाए कि वाकई में इसमें किसी ने कुछ संशोधन किया है, कुछ भी किसी ने ओपन किया है। लेकिन हम पासवर्ड के माध्यम से प्रोटेक्शन नहीं करना चाहते, हम सिर्फ पता करना चाहते कि हाँ किसी ने कोई संशोधन किया या हमने कभी कोई पहले फाइल बनाया था बाद में कुछ संशोधन किया है तो हमें मालूम हो जाए कि हाँ बाद में इसमें हम संशोधन कर चुके हैं। उसके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है ट्रैक चेंज, यानी आपकी जो ट्रैक आपने किया डेटा को उसमें कोई चेंजेस किया है तो वो ट्रैकर के माध्यम से आपको बताएगा। जैसे मोबाइल में ट्रैकर होता है, मोबाइल ट्रैकर जिसे कहते हैं, सेम उस प्रकार से ये डॉक्यूमेंट ट्रैकर है, इनलाइन ट्रैकर है, टेक्स्ट ट्रैकर है। इसके लिए हम कोई भी फाइल एक क्रिएट करें, जैसे हमारी एक फाइल ये बनी हुई है, मैं इसको क्या करता हूँ सेव कर देता हूँ कंट्रोल एस से। मैंने कोई भी डॉक्यूमेंट का नाम दिया, इसे DCA नाम से मैंने इसको सेव कर दिया। अब सेव करने के बाद आपको क्या करना है, ट्रैक चेंज पर जाना है और इसको ट्रैक को क्लिक कर देना है। इसका शॉर्टकट भी यहाँ आ रहा है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ई, ये ट्रैक चेंज का शॉर्टकट है। अब क्या होगा, ट्रैक करने के बाद एक बार और आप इसे कंट्रोल एस से सेव कर दीजिए। अब यहाँ पर जो भी डेटा आप टाइप करेंगे वो कमेंट लाइन में आएगा, यानी क्या हो रहा है, टैब जो हमारे पास अवेलेबल है वो है, एक तरह से यदि हम देखें तो कमेंट जो सॉरी ट्रैक चेंज जो है वो कमेंट की जैसा ही है, लेकिन हमें थोड़ा अलर्ट करता है कि हमारे इसमें डॉक्यूमेंट दिखा रहा है, नहीं हमारी फाइल को सेव करना है, सिक्योर करता है, बहुत अच्छा ऑप्शन है। अब हम यहाँ पर डेटा इंसर्ट कर रहे हैं तो टैग लाइन में दे रहा है, अब यदि इसमें चलिए हम इसको हटा देते हैं, अब यदि यूजर कोई अन्य पर्सन आपके डॉक्यूमेंट या डेटा को डिलीट करता है, उदाहरण के तौर पर यहाँ से कोई स्पेलिंग मिस्टेक भी हो गया, अब देखिए उसको मार्क करके दे रहा है कि यहाँ पर स्पीड डेटा और उसमें बता भी रहा है। देखिए आपके पास एक बॉक्स ओपन हो गया है, तो यहाँ पर फीचर था आर, आप अपनी गलतियों को सही भी कर सकते हैं और चेक भी कर सकते हैं, मार्क या तो डिलीट ही नहीं होने दे रहा है, द्वारा जो चेक करने का तरीका ये है कि वो आपकी जो गलती है वो तो ऊपर दिखा रहा है लेकिन उसकी अपनी जो डिक्शनरी है आपको अलर्ट करता है, सजेशन भी कर रहा है, कोई भी डॉक्यूमेंट हुआ ये आपके डॉक्यूमेंट को जब उसको अपनी डिक्शनरी में कोई भी वर्ड नहीं आपके फाइल में कोई भी संशोधन नहीं कर सकता है, लेकिन यदि आप चाहते हैं तो फिर बताता है या उस वर्ड को अनट्रैक भी कर सकते हैं और अनट्रैक करने के बाद जो कि हमारे पास यहाँ राइट हैंड साइड पर काफी सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। सबसे पहले ऑप्शन है इग्नोर, अगर मैं हमारे लिए ही है ये देखिए, तो कंट्री जो है डॉक्यूमेंट लिखा भी रहा है स्पेलिंग ग्रामर की और ऐसा कोई फीचर इसमें नहीं है, उसे वो वैसा ही छोड़ देगा और उसे बिल्कुल ठीक करेगा, एक्सपर्ट लोगों के लिए यदि आप फाइल को कोई आपके डॉक्यूमेंट में एडिट कर रहा है, डिलीट कर रहा है, उसे बात मालूम है कि इसमें ट्रैक चेंज लगा हुआ है, चाहते हैं कि आप ट्रैक करके जब भी आप काम करें यानी पूर्णता सिक्योर नहीं है, आप इसके ऊपर पूर्णता डिपेंड कर ले ताकि ये आपका जो वर्ड है आपकी तो देखा ट्रैक चेंज अगली बार ये गलती ना दिखे, जो कि अच्छा एक ऑप्शन है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया अगर आप चाहते लाइक हैं करें इस वर्ड को किसी और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। चेंज